हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं का विषय राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का पेपर संपूर्ण सॉल्यूशन सहित लेके आ चुका हूं, जो आपका 11 अप्रैल को होने वाला है। जी, आपका पेपर कितने अप्रैल को होने वाला है? 11 अप्रैल को। तो आप लोग इस वीडियो पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको सही विकल्प रिक्त स्थान संपूर्ण सॉल्यूशन बताया है, तो आपका इस प्रकार से पूरा पूरा पेपर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट होते हैं, इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम वाले दोनों प्रकार के बच्चों के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए पहला लगा है सही विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक, पहला लगा है भारत संविधान है, भारतीय संविधान है। तो भारत का संविधान कैसा है? लिखित एवं निर्मित है। ठीक, दोनों प्रकार से ना। हाँ, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। वो फिर आपका दूसरा वाला पूछा गया है, कैबिनेट का सचिवालय होता है। तो कैबिनेट का सचिवालय कहाँ पर होता है? तो कौन होता है, कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति होते हैं। चलिए, ये लिखा है तेलंगाना राज्य कब बना? तो बच्चों इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मुझे भी तो पता लगे कौन बच्चा होशियार है। ठीक, जैसे एक बच्चे ने कर दिया कमेंट, चलो धन्यवाद। इसी प्रकार से आप लोग कमेंट कर सकते हो। चौथा लिखा है स्वराज का रथ है। स्वराज का क्या रथ, क्या अर्थ होता है? स्वराज का अर्थ होता है स्व का शासन। चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट है पाँचवा, प्राचीन भारत में न्याय का आधार था। तो न्याय का आधार क्या था? तो धर्म था। क्या था? धर्म। चलिए फिर लगा छठवां, भारत के नागरिकों को कौन सी नागरिकता प्राप्त हुई है? तो कौन सी नागरिकता प्राप्त हुई है? तो बहु नागरिकता प्राप्त हुई है। बहु ऑप्शन आपका सही हो जाए। बढ़ते नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आप लोग सामने रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो चलिए हम लोग रिक्त स्थान भी भरते हैं। फिर लगा भारत का संविधान लागू हुआ, तो कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को। ठीक, 50 बना 5 बना। चुनाव आयोग की स्थापना वर्ष हुई, तो कब हुई थी? 1950 में। ठीक, अगला तीसरा, संघवाद में संविधान होता है तो कैसा होता है? कठोर होता है, कठोर। ठीक, चौथा लिखा है नेल्सन मंडेला का प्रिय खेल था, तो कौन था? बॉक्सिंग, बॉक्सिंग। ठीक, पांचवा लिखा है न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी आवश्यकता है, तो कैसे? सामाजिक, सामाजिक। ठीक, सातवां लिखा आप लोग सामने, वंश के आधार पर प्राप्त नागरिकता को कहते हैं, तो क्या कहते हैं हम लोग? तो प्राकृतिक नागरिकता कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक नागरिकता। ठीक बच्चों, चलिए अगला सातवां पूछा गया, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, तो 9 दिसंबर तो लिख लेते आप लोग, चलिए हम लिख देते 9 दिसंबर 1946 को। तो इस प्रकार से आप लोग सामने रिक्त स्थान की पूर्ति कंप्लीट हो जाती है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आप लोग सामने सही जोड़ियाँ, तो सही जोड़ियाँ आप लोग सामने इस प्रकार से हैं। जब पहला लगा मौलिक अधिकार, तो आप लोग मिला हुए ब्रिटेन से। इंग्लैंड, इंग्लैंड का आप लोग मिला हुआ किससे? इंग्लैंड का मिला हुआ आप लोग संसदीय व्यवस्था। क्या? संसदीय व्यवस्था। धारा 370 जम्मू कश्मीर में। स्वराज का अर्थ होता है स्वयं का शासन। न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय का मतलब है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नागरिकता का नैतिक कर्तव्य, व्यक्ति का अंत स्थान। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने पाँच के आपके छः में छः ही सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। बढ़ते नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य आंसर करना। चलिए पहला लगा संविधान क्या है, तो संविधान आप लोगों के किसी देश को व्यवस्था चलाने के लिए नियमों और कानूनों का एक दस्तावेज है। ठीक, ये तो आपका क्वेश्चन आपके बुक में भी लिखा होगा। भारतीय संसद के कौन से दो सदन हैं, तो दो सदन कौन कौन से? लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक बच्चों, चलिए अगला का आप लोग सामने, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। रंग भेद की समस्या कहाँ पर है? तो अमेरिका में है। ठीक, प्राकृतिक अधिकार है, तो क्या है प्राकृतिक अधिकार? तो मूल अधिकार। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्र के प्रति निष्ठा और उसकी प्रगति, उसकी प्रगति। ये हो जाएगा आपको एक शब्द वाक्य में आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग सामने एक शब्द वाक्य आंसर भी कम्प्लीट करवा दिए।
चलिए हम बोलते हैं सत असत करते हैं ठीक। पहले कहा लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक है तो यह सत्य हो जाएगा। राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सत्य हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन जुड़ा है, सत्य हो जाएगा। 14 समांतर तो 30 आपका सत्य रहेगा क्योंकि इसमें 73वां पूछा गया ना। तो 14 समानता का अर्थ समान व्यवहार से है तो सत्य हो जाएगा। 5वां अधिकार मूल रूप से हकदारी है, सत्य हो जाएगा। 6वां आज के राज्य राष्ट्रीय राज्य हैं तो सत्य हो जाएगा। यहाँ पर राजनीति शब्द के उत्पत्ति ग्रीक शब्द पौध से हुई है, सत्य। तो इस प्रकार से आप लोग सत्य असत भी कंप्लीट हो जाते हैं। विद्यार्थियों चलिए मैं पीडीएफ डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ। देखिए मेरा मोबाइल है तो इसमें देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले अपने मोबाइल में यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन करके आपको क्या सर्च करना है, एमपी बोर्ड क्लास 11। जैसे आपको फिजिक्स करना है तो फिजिक्स सर्च करना, जैसे अगर आपको पशुपालन का करना तो यहाँ पशुपालन लिख देना, अगर अर्थशास्त्र करना तो अर्थशास्त्र लिख देना। अभी मैं फिजिक्स करके आपको दिखा देता हूँ ठीक है। तो एमपी बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स पेपर 2023 ठीक है। जैसे ही मैंने लिखा फिजिक्स का यहाँ पर सर्च करूंगा तो यहाँ पर देखिएगा मैं नीचे आऊंगा। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे आपको देखिएगा बहुत एक साफ है। देखिए आपको क्या देखना है, studynotespj.com ही देखना है आपको ठीक है। इसमें पीजी का लोगो लगा होगा, पीले कलर का studynotespj.com लिखा होगा और यहाँ पर लिखा भी है सेट ए, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिएगा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एकदम असली पेपर देखिए फिजिक्स का डला हुआ है ठीक है। असली पेपर है और फिजिक्स का ही डला हुआ है। और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन डला हुआ है। जैसे आप सॉल्यूशन के बटन पे दबाएंगे तो यहाँ से सॉल्यूशन डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए बहुत से विद्यार्थियों का क्वेश्चन होगा कि अदर जो जैसे पशुपालन हो गया या फिर फिजिक्स के और जो सेट है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो होम पे दबाना, होम पे दबाने के बाद एमपी बोर्ड क्लास 9th 11th पे दबाना। फिर यहाँ पे देखना वायरल क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ हल करने के लिए यहाँ पे देखिए। तो अब देखिए कक्षा 11 के हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, जैसे कि अर्थशास्त्र दिया गया तो सेट ए का अर्थशास्त्र का सॉल्यूशन है, भौतिक विज्ञान का सेट ए और बी का है। तो आपको अपडेट होते जाएंगे यहीं पे, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहीं पे आपको यहाँ पे पशुपालन का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्रश्न उत्तर हुए तो बच्चे दो दो नंबर के प्रश्न है, तो इन प्रश्नों का उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका संपूर्ण सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, और आप इसके संपूर्ण सोल्यूशन सहित चाहते हो और वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप लोग स्टूडियो पेज पर भी जाकर देख सकते हो। धन्यवाद।